औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। तो आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में कहते हैं कि y इज इक्वल टू 3x^2 - 2x + 7 और होल की पावर जो है 6 है। तो अब हमने जो है वो किस मेथड के जरिए डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट यानी यू के साथ। तो यू हम क्या लिखेंगे, इसकी जो अंदर वाली वैल्यू हो उसको फर्ज कर लेते हैं 3x^2 - 2x + 7, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, वाई इसके इसमें के अंदर पुट करेंगे। तो वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यू के इक्वल है, तो यू की पावर जो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब हमने जो है वो दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू हमारे पास n(x)-1 यानी 6u^5 आ जाएगा। अब u की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो u की वैल्यू क्या है, 3x^2 - 2x + 7। तो नेक्स्ट जो है, अब हमने क्योंकि u वाला डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद हमने कंबाइन करके एक जो है वो सब्स्टिट्यूटेड मेथड हमने निकालना है, जो कि बाय चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए। तो अब हमने क्या करना है, u हमारे पास इक्वल है 3x^2 - 2x + 7। तो अब हमारे पास इनका भी डेरिवेटिव दोनों साइड पर लेना है, तो ये डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास जो कांस्टेंट वो सेम रहेगा। अब x^2 है तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा पावर वाला, n(x)-1 वाला, तो ये 2x बनेगा, 2x सीरीज मल्टीप्लाई होगा तो 6x बन जाएगा। अब 2 कांस्टेंट है, x जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, जबकि कांस्टेंट के डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। अब हमने चेन रूल को लगाकर हमने सब्स्टिट्यूटेड मेथड जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए। तो दोनों इक्वेशन को प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डी वाई ओवर डी यू और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डी यू ओवर डी एक्स के साथ। अब क्योंकि ये क्रॉस में जब मल्टीप्लाई, ये चेन रूल यही है कि अब क्रॉस में वैसे तो कट रहा है लेकिन हमारी कंडीशन भी पूरी हो रही है, हमारा डेरिवेटिव भी मुकम्मल हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इनके सिंपल जो है वो वैल्यू को पुट करते हैं डी वाई ओवर डी यू की और डी यू ओवर डी एक्स की। तो अब हमारे पास वैल्यू है डी वाई ओवर डी यू की, हमारे पास है 6x^2 - 2x + 7 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, डी यू और डी एक्स की। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, मल्टीप्लाई किया हमने 6x - 2। तो अब सिंपली क्या करना है, लास्ट में हमने सिंपली 6 को इधर रख दें, इसको पहले लिख दें कि 6x - 2 और इनटू जो हमारे पास ये है इसकी पावर 5 है। और अब हमारे पास क्योंकि ये देखें ये भी 5 ही है, तो अब हमारे पास क्या है, 6x पहले मैंने लिख लिया और ये वाला जो है वो बाद में लिखा है, 6 3x^2 - 2x + 7 और होल की पावर जो है वो 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 का फिफ्थ पार्ट, उसमें वो कहता है कि आपने फाइंड ए करना है सब्स्टिट्यूट मेथड के जरिए, आपने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है ओवर जो हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और होल का अंडर रूट है। तो सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने वाई के इक्वल करना है, वाई इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर जो हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हमने क्या करना है, पुट यू करना है। तो यहाँ पर पुट हम करेंगे यू किसके इक्वल करेंगे, ए का, इसकी जो अंदर वाली वैल्यू उसको हम लेट कर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर।
ये हमने जो है वो लेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक इधर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक इधर डेरिवेटिव फाइंड करके हम दोनों को कंबाइन करके एक सब्सटीट्यूटेड मेथड के जरिए डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, अब यू का अंडर रूट है क्योंकि हमने ये फाइंड किया है, वाई में इसमें पुट करेंगे तो वाई ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, है यू की पावर। अब अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अब यहाँ पर जो है वो इस तरह करें कि इसका डेरिवेटिव अलहदा ले लें, इसका डेरिवेटिव अलहदा, और दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 1/2 यू की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ये पावर वाला फार्मूला है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और लास्ट में हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट यू, क्योंकि ये ऊपर -1/2 है, अंडर रूट होता है, जब नीचे आएगा तो हमारे पास प्लस जो है वो अंडर रूट हो जाएगा। अब यू की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर ओवर हमारे पास हो जाएगा ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। और अब हम लिखेंगे कि 1/2 को अलहदा कर दें और इसको इस तरह लिख दें कि ए का स्केयर माइनस ये ऊपर आएगा बटे का बटा, तो ये ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, और ये होल का ही अंडर रूट है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक हमारे पास ये आ गया डी वाई ओवर डी यू। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास ये डेरिवेटिव है, तो अब यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन वाला फार्मूला लग रहा है तो हम दोनों साइड पर लगाते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्केयर। सिंपल हमने फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, और डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर और माइनस, ठीक है, ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर ओवर हमारे पास होगा ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर और होल का स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली फार्मूला है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्केयर। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं इसको सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव, और ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, और इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2x आ जाएगा, माइनस जो है ये एज इट इज़ रहेगा, ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है, ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट इज़ ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर और इसका स्केयर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए का स्केयर और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस जो है वो एक एक्स का स्केयर, ठीक है। तो ओवर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर होल का स्केयर। अब देखें एक्स का स्केयर माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x डॉट। अब देखिए ये भी एक स्केयर है, ये भी एक स्केयर है, तो 2a का स्केयर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्केयर माइनस x का स्केयर, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4a का, a को मल्टीप्लाई करेंगे 4a का स्केयर x हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपली मल्टीप्लाई 4a का स्केयर एक्स ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर और होल का स्केयर, ये भी होल का स्केयर है। तो नेक्स्ट अब हमने चेन रूल लगाना है, तो अब चेन रूल लगाएंगे 9, तो अब हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम चेन रूल डायरेक्ट लगाते हैं तो इन दोनों को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा, 2a का स्केयर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर और इसका अंडर रूट, और इनटू हमारे पास अब देखें a का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। अच्छा आप देखें इसकी इसका जो जो है हमारे पास बेस है और इसकी जो बेस है क्योंकि ये नीचे आएगा
तो इनकी सेम है, तो जब नीचे आएगा तो हमारे पास टू में से वन बाय टू जब चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को अच्छी तरह जो है वो डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस लेक्चर को आपको अच्छी तरह आपने डिलीवर भी किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।